नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। एसडीएम धनंजय कुमार एवं डीसीएलआर ने जगदीशपुर अंचल कार्यालय के किया औचक निरीक्षण। आज जगदीशपुर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण करने एसडीएम धनंजय कुमार एवं डीसीएलआर पहुंचे। निरीक्षण के उपरांत एसडीएम ने कहा कि दाखिल खारिज में जो कमियां पाई जा रही है उसको कर्मचारी तुरंत दुरुस्त करें, दाखिल खारिज करने वाले व्यक्ति को तुरंत सूचित करें किस कारण से उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है, साथ ही लंबित पड़े दाखिल खारिज का काम जल्द से जल्द निपटारा की जाए और अंचल में जो भी कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी बहुत से नए कर्मचारी आए हैं, उनको थोड़ा काम करने में कुछ दिक्कत आ रही है जो ठीक कर लिया जाएगा। साथ ही जो अंचल में दलाली के काम में लगे हुए हैं वो सब दलाली करना बंद कर दें, वरना उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सामान्य निरीक्षण था, मतलब चूँकि अभी आपको जानकारी होगी कि डीएम सर के स्तर से डेली रेवेन्यू की बैठक की जा रही है और जो पेंडेंसीज है अंचल में अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो सर के स्तर से लगातार उसका निरीक्षण किया जा रहा है और मीटिंग हो रही है। हम लोग भी अपने स्तर से लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि जगदीशपुर में आप लोग जान रहे हैं कि नगर निगम का सारा क्षेत्र आता है, वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस निश्चित रूप से ज़्यादा रहता है, उनको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ वो भी लूपहोल्स हम लोग देख रहे थे कि क्यों इतनी पेंडेंसी, उन पर उन लोग को डायरेक्शन दिया गया और समय दिया गया कि उस पर कंप्लाइंस करें 3 से 4 दिनों के अंदर। साथ ही साथ एक अन्य प्रयोजन भी था कि स्किल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड जो सरकार की विभिन्न योजनाएँ वो आप लोग के माध्यम से हम जो भी जगदीशपुर की जनता है उनको भी जागरूक करना चाहेंगे कि एक जो बच्चों के लिए लोन स्कीम है या फिर जो बेरोजगार लोगों के लिए जो सरकार स्कॉलरशिप देती है और अन्य जो भी योजनाएं हैं उसका जो लाभ है वो उसमें जितना आवेदन आ रहा है उसकी संख्या बहुत कम है। तो निश्चित रूप से उसमें दो ही कारण हो सकता है, या तो जानकारी का अभाव होगा या हम लोग का जो प्रोसीजर है उसमें कहीं पर उन लोगों की समस्या उनको आ रही होगी। तो हम लोगों ने डीएम सर के डायरेक्शन पे ये डिसीजन लिया है कि प्रत्येक पंचायत में हम लोग एक कैंप का आयोजन करवाएंगे और सीएससी के माध्यम से और जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से है उसमें सभी बच्चों के उनके परिवार को जागरूक करेंगे ताकि वो जो सरकार के द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है एवं जो अन्य योजनाएं हैं उसका लाभ ले सकें, ताकि अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकें और पढ़ाई में उनका और उन्हें मदद मिले।